हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दी आपका आज का व्लॉग क्यों नहीं आया, हमें 11 बजे हर दिन वेट करते हैं आपके व्लॉग का। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है और आज उस चैलेंज का फर्स्ट डे है, तो इसलिए आज मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। आज जो भी मैंने किया है, जैसे भी पढ़ाई की है, कैसे कैसे अपना टारगेट मैं अचीव कर रही हूँ, ये मैं आपसे शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। बट आज मेरे लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि आपको तो पता ही है कि BPSC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर OMR शीट जो है वो अपलोड कर दी है हर कैंडिडेट की। तो मुझे लगता है कि आपने भी अपना मार्क्स अभी तक चेक कर लिया होगा। बट अगर आपने अपना मार्क्स चेक नहीं किया है तो आप अभी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी रिस्पॉन्स की है उससे आप अपना मैच कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके कितने नंबर बन रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम तुक्का लगा रहे थे, जैसे कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि OMR शीट में हमने ऑप्शन नंबर 8 टिक किया था, बट हमें घर में याद आता है कि नहीं, शायद मैंने इसका बी ऑप्शन टिक किया हो। तो अभी तक तो हम तुक्का लगा के पता कर रहे थे कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन अब आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और इससे ना आपको अपना मार्क्स भी पता चल जाएगा। मुझे पता है कि आप सब इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि मैं अपने मार्क्स इस वीडियो में शेयर करूंगी। पहले तो मुझे मार्क्स मतलब देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि BEd वाले तो लगभग प्राइमरी से बाहर ही हैं, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं था मुझे कि मुझे चेक भी करना चाहिए कि कितने मेरे नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर ना मुझे अपने सब्सक्राइबर्स का ख्याल आता है कि आप सब मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, खास करके मेरे चैनल से सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं और लड़कियां जुड़ी हुई हैं, तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है क्योंकि वो भी ये देखना चाहती हैं कि एक हाउसवाइफ घर में रह के मेहनत करके और फिर लिमिटेड स्टडी मटेरियल को पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर कर भी पाती है या नहीं कर पाती है। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि जब मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में मार्क्स बताया था कि मेरे 82 नंबर बन रहे हैं रॉ, तो उस समय बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुमने कुछ ज़्यादा नंबर बता दिया, तुम पे हमें ट्रस्ट नहीं है, झूठ बोल रही हो और पता नहीं क्या क्या। तो इस वजह से भी मुझे देखना ज़रूरी हो गया था कि अगर मैं नहीं चेक करूँगी तो फिर एग्जैक्टली मैं आपको भी बता नहीं पाऊँगी कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अपना OMR शीट मतलब चेक किया और सारा नंबर अपना कैलकुलेट किया। अपने एक्चुअल नंबर बताने से पहले और अपनी OMR शीट आप सबसे शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा दे रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे कमेंट मिले हैं जब मैंने अपना रॉ मार्क्स सबसे शेयर किया था। आपने देख ही लिया होगा कि लोगों ने कितना ज़्यादा खराब खराब कमेंट जो बोलते हैं ना, जिसको एकदम बहुत ही मतलब लेवल में गिर जाना, मतलब मुझे लगता नहीं था कि ये कोई टीचर के शब्द हैं क्योंकि देखिए हम सब ने टीचिंग एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे लगता नहीं था कि कोई टीचर ऐसा बोल सकता है किसी को, क्योंकि टीचर जो भी बनता है ना उससे हम एक बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करें ये उम्मीद करते हैं। पर बहुत सारे लोगों ने बहुत खराब खराब शब्द कहे कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अरे इसका तुक्का सही हो गया होगा, कुछ एक कमेंट तो मुझे बहुत अजीब आया था जिसमें एक बंदे ने लिखा था कि आप UPSC की तैयारी करो उसमें आप टॉप करोगे, ये टीचर वाला जॉब हम गरीब लोगों और मेहनती लोगों के लिए छोड़ दो। तब फिर मुझे मतलब गुस्सा भी आया और ऐसे मतलब कमेंट से मुझे हंसी भी आई कि अरे भाई जो टीचर बन, मैं भी गरीब हूँ और मैं भी मेहनती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत करती थी, तो मेहनत तो मैं भी करती हूँ, गरीब मैं भी हूँ, मेरे पास जॉब नहीं तो गरीब मैं भी हूँ, तो ये जॉब तो मेरे लिए भी हुए ना, इसमें ये क्या बात है कि आप UPSC करो वहाँ पर आप टॉप कर लोगे। मतलब वो एक तरह से मुझे ताना मारा था। तो ऐसे बहुत सारे, एक लड़की ने पता क्या लिखा था उसने, उन्होंने लिखा था कि मैं 4 बार BPSC के मेन्स में बैठ चुकी हूँ और तब भी मेरे 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, ये लड़की एकदम झूठ बोल रही है। तो उस समय फिर मुझे बुरा लगा कि देखिए BPSC एग्ज़ाम बिल्कुल अलग होता है, टीचिंग एग्ज़ाम बिल्कुल अलग होता है, दोनों का पैटर्न अलग है। तो जो BPSC का कैंडिडेट है वो ये ना सोचे कि वो टीचिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, और जो टीचिंग का कैंडिडेट है वो ये ना सोचे कि अभी उसने टीचर की तैयारी कर ली है तो वो BPSC प्री में बैठेगा तो वहाँ पर पास हो जाएगा। दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, तो इसीलिए कभी भी ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए BPSC एग्ज़ाम में केवल 8 से 10 नंबर मैथ्स के पूछे जाते हैं
और मैथ्स का जो लेवल होता है बहुत इजी होता है। पर आप टीचिंग एग्जाम में देखिए, मैथ्स कितना, मैथ्स के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका लेवल भी बहुत अच्छा खासा था। तो इस तरह से हम दोनों एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये हो सकता है कि अगर किसी ने बीपीएससी की तैयारी की हो तो वो टीचिंग में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक कैंडिडेट बुरा परफॉर्म करेगा, लेकिन बट उनको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये टीचिंग कैंडिडेट है तो ये टीचिंग एग्जाम में भी बुरा ही परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे और मुझे तो मतलब लग रहा था कि मैं ओएमआर शीट अपना चेक भी ना करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इन सबको दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मैं इन लोगों को दिखाना चाहती भी नहीं हूँ कि भाई कितने नंबर आए हैं। मैं अपने अपना ओएमआर शीट अगर शेयर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। नो डाउट मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और मुझे बहुत अच्छे कमेंट भी आए, जिसे मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिखा कि दी वी ट्रस्ट यू, हम आपको जानते हैं, हमने आपकी जर्नी देखी है, आपकी मेहनत देखी है, हम आप पे भरोसा करते हैं कि आप इतना स्कोर कर सकती हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि जब ऑफिशियल आंसर किया गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना 10 से 12 नंबर कम हो गया था। तो बहुत लोग मुझे बाद में भी कमेंट करके बोल रहे थे कि आप बताओ तुम्हारा मतलब 80 से तुम 60 पे पहुंच गई होगी, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे। तो उस समय तो मैंने चेक ही नहीं किया था, मैंने सोचा छोड़ो हटाओ इन सब कमेंट्स को, इग्नोर करो। और मेरे सब्सक्राइबर्स भी ना मुझे बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि दी इन लोगों को इग्नोर करो, इन लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है रिप्लाई करने की। तो ये तो मैं कहूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और आज ना मैं अपना ओएमआर शीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। हेटर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि उनको मैं कोई प्रूफ दूँ। तो मुझे हेटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स से है। तो ये मैं ओएमआर शीट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप क्या कीजिएगा, मेरा जो सेट था ना वो एफ था, सेट एफ था। आप ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे बन रहे हैं 80 नंबर, मतलब कि 120 में मेरे 80 क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी भी हेटर्स लोग कहेंगे कि हाँ चलो तुम्हारा तुक्का सही हो गया। ठीक है भाई, मेरा तुक्का ही सही हुआ है, मैं क्या करूँ। तो अभी भी मुझे हेटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये मार्क्स केवल और केवल मैं अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से गेन कर पाई हूँ। क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, ऐसा नहीं था कि जब मैंने टीचिंग एग्जाम की तैयारी की तो मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ। मैं बहुत बार डीमोटिवेट हुई हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ खड़े रहते थे, मुझे मोटिवेट करते थे, कमेंट करते थे कि दीन नहीं आप अभी हार नहीं सकते हैं, अभी आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम से पहले ही हमें पता चल गया था कि बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो बीएड कैंडिडेट हो चाहे वो डीएलएड कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट बहुत सपोर्ट कर रहे थे और लिख रहे थे कि दी कुछ दिन बाकी है, पढ़ लीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इन सब नेगेटिव न्यूज़ को सुन के। तो अपने सब्सक्राइबर्स को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 आभार। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेरे डेली व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपनी जर्नी सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट तरीके से आपसे शेयर करती हूँ। क्या कंटेंट फॉलो करती हूँ, कौन से बुक को कब बनाती हूँ, सब बताती हूँ आपको। आप भी वो वैसे ही फॉलो करेंगे ना तो मेरा यकीन मानिए आपका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और बीपीएससी 2.0 एग्ज़ाम में आप भी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो ये 21 डेज़ मेरे लिए मतलब इजी नहीं होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि इन 21 डेज़ में मुझे बहुत सारे बुक्स कंप्लीट करने हैं, साथ ही साथ जो बैच परचेज किया है वहाँ से भी पढ़ना है। तो और मेरे साथ आपने भी बहुत चैलेंज लिया 21 डेज़ का, तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी आपको रुकना नहीं है, बीपीएससी 2.0 के लिए एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए। और अपने व्लॉग्स के जरिए मैं तो आपको ज़रूर मोटिवेट करती रहूँगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो मुझे एक रेड हार्ट कमेंट ज़रूर कीजिएगा।